तो ये गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो गाइस अभी हम बैठे हैं छत के ऊपर, धूप सेक रहे हैं, ठंडा हो रहा है मौसम, साथ ही साथ धूप तेज है लेकिन हवा बहुत ज़्यादा तेज चल रही है। नीचे तो धूल बहुत ज़्यादा उड़ रही है, साथ में पूजा भी बैठी हुई है और बच्ची भी, क्योंकि आज रात में बच्ची ने बिल्कुल भी सोने नहीं दिया। और अर्जुन और सीमा ने जो गिफ्ट दिए हैं वो भी अभी खोलना बाकी है। और शाम को हम जाएंगे पिक्चर देखने, कौन सी जाएंगे ये आपको लास्ट में पता लग जाएगा और हम उसका रिव्यू भी शेयर करने वाले हैं। तो चलिए अभी थोड़ा घर का काम है वो फिनिश कर लेते हैं और सबसे पहले गिफ्ट ओपन करते हैं। तो चलो गिफ्ट देखते हैं क्या क्या है। दस को ले दो जाऊं देख दियो 20 घुमाए तो उसके ऊपर 10 तक भी देंगे जा रहे शिवू का दिया हुआ गिफ्ट खोलने की। बाकी सारे गिफ्ट खुल चुके हैं, सभी में बच्चों के लिए कपड़े हैं और एक जो अनिल का दोस्त था वो कपड़े मतलब वो एक डॉल देके गया था। अब फाइनली जो हमारी डार्लिंग यानी कि शिवू ने दिया है, अब टाइम है इसको ओपन करने का। तो ये रही है मेरी शिवू, इसी ने दिया और उसका चैनल है वो सब्सक्राइब कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चैनल का नाम है ब्लॉग। ये चलो उसको ओपन करते हैं। मम्मी आओ ना। तो चलिए अब टाइम है इसको ओपन करने का। मुक्का भी आ सकता है यार, है भैया बता रहे, कोई कह रहा मुक्का भी आ रहा, कोई कह रहा छोटी कार है, पता नहीं क्या है फिलहाल अभी। ठीक है देखते हैं क्या है। मुक्का भी आ सकता है। मुक्का जो आता है डिब्बे से क्यों। ओके तो सरप्राइज के लिए रेड गए हैं। ये है जादूगर, मम्मा ये क्या है भाई, बच गया मुक्का नहीं आया, बच गया मैं तो यार। ये बेबी तो, बस लाने वाला है, ये सोफा सीट है बेबी का। तो ये बेबी का सोफा सीट है और सामने छोटू सा गुड्डू है, पीछे इसकी पूंछ है और इसमें बैठ के आप इसका और सपोर्ट भी दे सकते हो। थैंक यू मामी, सड़ा हुआ मामा है। लो चलो ठीक है, मेरी क्यूट सी बेटी का सिंहासन रेडी हो चुका है, मतलब रेडी तो कर दिया है। तो चलो यू रथ उड़ेगा बाबा, ये तो सेंटा क्लॉज है, ये तो सेंटा क्लॉज है, ये तो सेंटा क्लॉज है, आशीर्वाद दे रही है सेंटा क्लॉज। हेलो सेंटा क्लॉज, ये देखो। और इस हंसी खुशी में शामिल होने वाले लोग सारे देखो, सेंटा क्लॉज मजे में है, मजे में थोड़ा ऊपर का बढ़ा देना, नीचे को नहीं घुस। ये मेरा बच्चा सपोर्ट इसका हो रहा है।
ये मामी कान बाइक चलाई हूँ भाई, उड़ रही है वो भाई, मामी भाई मैं जा रही हूँ उड़ने। ये पापा की परी उड़ रही है, अरे बाबा अभी से गुद्दा मेरा। घंटे एंग्री बर्ड बनी रहती है, गुस्से में रहती है। अरे बच्चा मैंने क्या बिगाड़ा आज, फिलहाल हम लोग पी रहे हैं कढ़ाई वाला गर्मा गर्म दूध सारे लोग। और ये देखिए भाई साहब क्या मजे आ रहे हैं, कैसा लग रहा है। ये हमारे पहाड़ से आए हुए हैं लोग और हमारे यहाँ तिलहर में मजे ले रहे हैं। ये लस्सी पी रही है, ये दूध पी रहे हैं। और भैया तुम कहाँ से आए, चाइना से? ये चाइना, ये वो सुमो वाले नहीं होते? चलो ठीक है, एंजॉय कर। अभी से निकलने लग गया ऊपर से, बाद में क्या होगा। अच्छा ये बताओ, एक्सपीरियंस बताओ अपना, किस चीज का? दूध का। खाली हो गया, आप क्या बताए। फिर भी कैसा लगा पी के? सुबह सुबह अपनी बहू जो है बहुरिया वो सास जी की मालिश कर रही है और हम जा रहे हैं अपनी लल्ली की वैक्सीनेशन करवाने। तो आज है हमारी छुटकी का वैक्सीनेशन। तो दीदी लेके जा रही है, तो यहाँ पर हाँ यहीं पे सामने यहाँ पर आशा दीदी आती है ना, आशा दीदी एनम क्या आशा दीदी कौन होती है? ये आशा दीदी होती हैं, इनके यहाँ से वो एनम लोग आते हैं ना वैक्सीनेशन कराने के लिए। लल्ली का वैक्सीनेशन होगा, तो गाइस अब बच्ची को वैक्सीन लगने वाली है, लेकिन मेरे से देखा नहीं जरा, बाप रे ओ ओ रो रही रो ओ ओ लग गया बेचारी को, रे बाप रे ओले मेरा बच्चा लोला है चोरी बाबा। बस बस बाबू बस चुप। तो मैडम जी ये पिला रही हैं पोलियो खुराक, तो ये फर्स्ट पोलियो खुराक है और फर्स्ट वैक्सीन है। तो भाई हम आ गए हैं थिएटर में पिक्चर देने के लिए पठान, और ये है हमारे शाहजहाँपुर का अंबा टाकीज। नीचे की कंडीशन कुछ ऐसे रोडवेज की जैसी है और फैमिली सेक्शन ये है, तो हम लोगों ने फैमिली सेक्शन का लिया हुआ है। और ये देखो दोनों लोग तीनों लोग बैठे हुए हैं, ये मॉस काट रहे हैं। फिलहाल अभी तो एंट्री है, 3:30 बजे का शो है, लेकिन अब मुझे पता नहीं है कि कितने बजे चालू होगा क्या होगा। फिलहाल शो तो पूरा ही दिखाएंगे, ठीक ठाक है, बड़ा स्क्रीन है, मज़ा तो आने वाला है डेफिनेटली, बट देखते हैं। फर्स्ट टाइम आए हैं ना इधर, देखो जाएगी। पिक्चर क्या दमदार थी गाइस। रात को मैं लेट आया तो इसीलिए उसका रिव्यू नहीं दे पाया, लेकिन अभी मॉर्निंग में मैं उसका रिव्यू दे रहा हूँ। कंटेंट एकदम एक नंबर, सस्पेंसफुल, एक्शन बहुत ही जबरदस्त भाई साहब। जॉन इब्राहिम और शाहरुख खान की फाइट क्या जबरदस्त फाइट थी, और विलेन का रोल जॉन इब्राहिम का, मजा आ गया। और उसके बाद भाई साहब सल्लू भाई की एंट्री और का पादकूड का करेक्टर था, क्या भाई साहब पूरी फिल्म में आग लगा दी, एकदम फाड़ दिया, बहुत ही सस्पेंसफुल है। मैं तो कहूँगा एक बार तो देखना चाहिए था आपको, लेकिन HD क्वालिटी में मत देखना, देखना तो 3D या 2D में देखना। मैं एक बार इसको नैनीताल पहुँचूँगा तो 3D थिएटर में ज़रूर देखने जाऊँगा, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया, ठीक है, एकदम बकवास थिएटर। अरे क्या हुआ, तो तब तक लल्ली की मालिश होती है और ये वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। होप करते हैं कि आपको मेरा कंटेंट पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, टाटा बाय।